today. Okay, now let us see chapter number 2, endogenetic movements. Okay, what is endogenetic movements? Endogenetic means the movement that occurs in the interior of the earth, yani internal movements. Okay, now let us see. Read the following news, observe the photograph and answer the question. ये जो दिया है ये एक न्यूज आइटम है. ओके, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, नाउ सी हियर व्हाट इट इज रिटन. नेपाल डिवेस्टेटेड. डिवेस्टेटेड मींस डिस्ट्रॉय होना, डैमेज होना. ओके, पावरफुल अर्थक्वेक रॉक्स नेपाल नियरली 1500 के. ओके, नेपाल में क्या आया? अर्थक्वेक आया, पावरफुल अर्थक्वेक, जिसकी वजह से 1500 लोग मारे गए. ओके, काठमांडू 25 अप्रैल पीटीआई. ओके, अ पावरफुल अर्थक्वेक मेजरिंग 7.9 ऑन रिक्टर स्केल स्ट्रक नेपाल टुडे. नियरली 1500 पीपल वर किल्ड एंड ओवर 1000 पीपल वर इंजर्ड इन द डिजास्टर. ओके, अ पावरफुल earthquake which whose magnitude was 7.9 on Richter scale. Earthquake को measure करने के लिए उसके magnitude को measure Richter scale में किया जाता है. Okay, and 1500 people killed and over 1000 people were injured. The quake and a series of serious aftershocks delivered a severe blow to Nepal. The tremors were also felt across vast stretches of caste east and northeast India. It was also felt in China, Bhutan and as far as Pakistan and Bangladesh. You know, jo quake hai, quake matlab shake. जब अर्थ शेक होता है दैट इज नोन एज अर्थक्वेक. ओके, एंड द सीरियस आफ्टरशॉक, जब अर्थक्वेक आता है, जब ट्रेमर्स आता है, ट्रेमर्स का मतलब है शेक. ओके, दैट इज क्वेक. तो अर्थक्वेक के बाद और भी झटके लगते हैं, और भी उसके बाद बहुत सारे झटके आते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे झटके आए एंड ना कि सिर्फ नेपाल में आया बल्कि दूसरे प्लेसेस में भी आए. प्लेसेस लाइक इंडिया, ओके, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो इन चाइना, भूटान, पाकिस्तान एज वेल एज बांग्लादेश. ये रीजन में, ये प्लेसेस में भी झटके महसूस किए गए. द अर्थक्वेक विद एपिसेंटर एट लामजंग around 80 kilometers northwest of Kathmandu had its impact in several cities in Bihar, West Bengal and Uttar Pradesh. Okay, जो earthquake है उसका epicenter यानी center point, यानी earthquake कहाँ start हुआ, that was Lamjung. Okay, it is a place in Nepal which is 80 kilometers from northwest of Kathmandu. Okay, and its impact was felt in several cities in Bihar, West Bengal, and even Uttar Pradesh, जो कि इंडिया में situated है. The initial report said the tremor measured 7.9 magnitude. It said the quake hit at 11:40 a.m. local time at a shallow depth of 11 km. There were 17 major aftershocks measuring over 5 in the next 2.5 hours, said an officer of the National Seismological Center. Another aftershock measuring 6.6 hit within 80 minutes of the quake. This is the largest earthquake in Nepal after 80 years. India has sent rescue teams immediately.
और ये जो झटका था वो कहाँ पर था? बिलो बिनिथ द अर्थ, कितना नीचे? 11 किलोमीटर नीचे, मतलब वो ज्यादा डीप भी नहीं था, वो शैलो था, ठीक है। एंड देयर वर 17 मेजर आफ्टर शॉक्स, यानी वो पहले झटकियों के बाद और 17 झटके आए, ओके, जिसका मेजर कितना था? ओवर 5 इन रिक्टर स्केल। एंड ऑल्सो और एक झटका आया विच वॉज 6.6, यू नो, मैग्नीट्यूड, 6.6 मैग्नीट्यूड का विद इन द 80 मिनट्स, ओके, 80 मिनट्स के अंदर 6.6 मैग्नीट्यूड वाला और एक अर्थक्वेक आया। एंड यू नो इट लास्ट फॉर 2.5 आवर्स, जो अर्थक्वेक है एक के बाद एक वो 2.5 आवर्स तक चलते रहा। एंड दिस वॉज द लार्जेस्ट अर्थक्वेक इन नेपाल, यू नो, आफ्टर 80 ईयर्स, 80 ईयर्स के बाद इस तरीके का अर्थक्वेक नेपाल में आया। एंड यू नो इंडिया बीइंग द नेबरिंग कंट्री सेंट रेस्क्यू टीम इमीडिएटली, रेस्क्यू टीम मतलब वहां पर लोग जो फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए इंडिया ने अपने टीम को वहां पर भेजा। नाउ हियर यू कैन सी द पिक्चर, यू कैन सी द कंडीशन, ओके, कैसी हालत हो गई है, सारा बिल्डिंग गिर गया है, all the debris are there, okay, two big tremors, 7.9 Richter scale, that was in, you know, 11:40 a.m. and 6.6 Richter scale, that is 12:19 p.m. and epicenter, yani main center kahan pe tha earthquake ka, that is Lamjung, that is in Nepal. Also, you can see some more information here, number of dead, कितने लोग मरे नेपाल में, कितने थे? 1500, ओके, इतने लोग मरे। एंड इंडिया में कितने? 53। देन टिबेट हाउ मच? 12। देन बांग्लादेश 2, ओके। नाउ यू आर सी फोकस, दैट इज 11 किलोमीटर डीप, ठीक है, 11 किलोमीटर ज्यादा दूर नहीं है। देन 17 मोर शॉक्स आफ्टर 2 बिग ट्रेमर्स, ये दो बड़े बड़े ट्रेमर्स आए, उसके बाद और यू नो 17 शॉक्स आए, ड्यूरेशन रेंजिंग फ्रॉम 30 सेकेंड टू 2 मिनट्स, यानी जो मूवमेंट है, जो शेक है, जो अर्थक्वेक है, उसका ड्यूरेशन कितना लास्ट किया? 30 सेकेंड से लेके 2 मिनट्स तक थे, ओके। देन प्लेसेस विच वर अफेक्टेड, दैट इज इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान also experience tremors. Then 22 states in India feel the tremors. Okay, India के 22 states ने ये झटके महसूस किए। Now let us see the question, you know, based on this news item. What caused the large scale casualties? Casualties मतलब deaths, okay? Large scale deaths किस reason से हुआ? The answer will be earthquake. The question is the answer is earthquake. Then what was the magnitude of the earthquake? Earthquake का magnitude कितना था? 7.9
एक्सपीरियंस किया है? यस और नो? दैट यू नो, दैट यू कैन आंसर, राइट? वेरियस नेचुरल इवेंट्स अकर ऑन द अर्थ फ्रॉम टाइम टू टाइम. एग्जांपल, फ्लड्स, स्टॉर्म्स, स्नोफॉल, एक्सट्रीम रेनफॉल एक्सेट्रा. सिमिलरली, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट्स बिलो द अर्थ सर्फेस, नेचुरल इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस अकर. ओके, बहुत सारे नेचुरल इवेंट्स होते हैं अर्थ में, यू नो, जो कि नेचुरली होता है. ठीक है, ऐसे इवेंट्स जो कि नेचुरली होता है, जैसे कि फ्लड, ओके, देन हेवी रेनफॉल, एक्सट्रीम रेनफॉल, देन स्टॉर्म्स, स्नोफॉल, ये सारे जो है वो ऊपर यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए. तो यू नो, अर्थ सिमिलर वे में बिलो द अर्थ सरफेस यानी अर्थ के इंटीरियर में भी, इंटीरियर के वजह से भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, ओके, लाइक अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस. फॉर द ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन अर्थ, दीज Events are disastrous. There is a loss of life and property because of natural calamities. In this lesson, we will get introduced to these endogenetic, that is internal movements. Okay, ये जो events होते हैं, चाहे वो external movement के वजह से हो या internal movement के वजह से हो, जो भी living organisms है, you know, earth surface के ऊपर, उसको यू नो बहुत ही हानि पहुंचती है, नुकसान होता है, एंड बहुत सारा यू नो देयर इज अ लॉस ऑफ लाइफ, बहुत सारी जाने जाती है, प्रॉपर्टी भी बर्बाद होती है, डैमेज होता है, डिस्ट्रॉय होता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस नेचुरल कैलामिटीज. ओके, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल कैलामिटीज. एंड इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यू नो ऑल द फैक्टर्स, यू नो द एंडोजेनेटिक. एंडोजेनेटिक मीन्स इंटरनल मूवमेंट्स, यानी अर्थ के अंदर इंटीरियर में जो मूवमेंट्स होते हैं उसके वजह से यू नो क्या इफेक्ट होता है अर्थ सरफेस के ऊपर, दैट वी आर गोइंग टू